तो हाय दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि जल्द ही लॉन्च होने वाला है प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो दोस्तों, इसके फीचर्स के मुताबिक अगर इसकी कीमत देखी जाए तो चलिए जान लेते हैं इसकी कीमत और इसके फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बताते चले कि इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की पसंद लगातार बढ़ रही है, जहाँ एथर, टीवीएस मोटर्स और ओला इलेक्ट्रिक ने मार्केट में अपनी धाक जमा ली है। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता कंपनी ग्रीस इलेक्ट्रिक का ब्रांड एम्पेयर पिछले एक साल से लगातार अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। जल्द ही कंपनी अपना नया प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आने वाली है और हाल ही में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर भी तय किया है। तो दोस्तों, इस कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड एम्पेयर के बारे में अभी भी ज्यादा लोगों को पता नहीं है। अब हाल ही में कंपनी अपना नया प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आने के बारे में विचार कर रही है। इसे एम्पेयर नेक्सस नाम दिया गया है। इतना ही नहीं, हाल ही में कंपनी के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की सफर भी तय कर ली है। तो आइए जानते हैं कि इस एम्पेयर नेक्सस में आपको क्या खास फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, एम्पेयर नेक्सस को भारत में 30 अप्रैल को लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी कंपनी ने इसके कुछ खास फीचर्स का खुलासा नहीं किया है। अभी तक एम्पेयर ब्रांड के तहत कंपनी बजट स्कूटर ही पेश करती आई है, लेकिन पहली बार कंपनी ने प्रीमियम स्कूटर लॉन्च करने का फैसला लिया है। इस प्रीमियम स्कूटर को सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट के रूप में 2023 ऑटो एक्सपो के दौरान शोकेस किया गया था। यह एक फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा। एम्पेयर नेक्सस में आपको अलॉय व्हील के साथ आगे की तरफ डिस्क ब्रेक भी देखने को मिलेगा, साथ ही आपको फुल कलर डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा। ये स्क्रीन टच तो नहीं होगी, लेकिन इसके कंट्रोल हैंडल बार पर दिया जाएगा। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में बैटरी, मोटर और मोटर कंट्रोलर की कूलिंग के लिए आपको कूलिंग सिस्टम भी दिया जाएगा। रिपोर्ट की माने तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत 1,30,000 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए के बीच हो सकती है।